हेलो एवरीवन। सो आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि आपके सेकंड फेज की भी डिटेल्स आ चुकी हैं। सो ऑन 21st ऑफ फरवरी ओनली एनटीए हैज डिक्लेयर्ड द सेकंड फेज डिटेल्स कि सेकंड फेज में वो किस किस के एग्जाम करवाने वाले हैं। तो अगेन आप सभी लोग बहुत देरों से इंतजार कर रहे कि आपका पेपर कब होगा, बिकॉज फेज नंबर वन भी आपको पता है 21st से स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है, और बाकी फेज नंबर टू की डिटेल्स भी एनटीए ने डाल दी है। तो फेज नंबर टू की डिटेल्स हम देख लेते हैं, फेज नंबर टू में पेपर किस किस ले रहे हैं। तो याद रखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो हिस्ट्री के विद्यार्थी तैयार हो जाइए, आपका पेपर 28 तारीख को शिफ्ट नंबर वन और शिफ्ट नंबर टू, तो सुबह और शाम हिस्ट्री का पेपर होगा। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं बेसिकली 1 तारीख को, तो 28 तारीख के बाद 1 तारीख को पेपर है, मतलब 24 के बाद सीधे 28 को पेपर है, ठीक है। अभी फेज नंबर वन कब से कब तक चल रहा है, 21 से 24 तक, और 24 के बाद सीधे 28 को पेपर ले रहे हैं वो हिस्ट्री का शिफ्ट नंबर वन शिफ्ट नंबर टू में, इंग्लिश का भी दो शिफ्ट में पेपर हो रहा है, फिर इकोनॉमिक्स का, रूरल इकोनॉमिक्स का ऑपरेशन डिफरेंट सब्जेक्ट, ये कब होगा 2 तारीख को, ओके। इसमें भी दो शिफ्ट है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एक शिफ्ट में हो रहा है 2 तारीख को, और पब्लिक एडमिशन 2 तारीख को, ठीक है। इसके बाद अभी कोई और पेपर नहीं, मतलब फेज नंबर टू में सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसके पेपर होने वाले हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो है, या फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी या फिर एजुकेशन, यहां पे अभी वो विजिबल नहीं है, या फिर सोशियोलॉजी, फाइन। सो वो सब्जेक्ट अभी नहीं है, मैनेजमेंट का कॉमर्स का इसमें जिक्र नहीं है। सो अभी सिर्फ हिस्ट्री इंग्लिश और इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिशन का उन्होंने टाइम डेट दिया है। एंड इससे ये समझ में आता है कि फेज नंबर 3 जो है, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा फेज नंबर 3 का, और बहुत जल्दी, मतलब मेरे हिसाब से 25-26 तारीख तक, 25th या फिर 26 तक आपको, ठीक है, 25 या 26 तारीख तक आपको फेज नंबर 3 की डिटेल्स मिल जाएंगी। फेज नंबर 3 कब से कब तक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब सब्जेक्ट जो है आपके फेज 3 में करवा देंगे, बिकॉज अभी फेज 2 में तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये डिटेल सामने है आपके, फेज 2 में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एजुकेशन ये सब सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो रहा है, जो पेपर हो रहा है वो 5 ही सब्जेक्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो फेज है फेज नंबर 3 होगा। तो फेज नंबर 3 देखिए सीधी सी बात है 2 तारीख है, अब फेज नंबर 3 कब हो सकता है, तो 2 के बाद ही मान के चलिए 3 या 4 तारीख, और मुझे लगता है कि उसके आगे एक्सटेंड करेगा, बिकॉज फिर होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो वहां पे वो एग्जाम नहीं ले सकते, तो या तो होली से पहले हो जाएगा बीच में एडजस्ट, या फिर होली के बाद होगा, ठीक है। सो बस आपको करना क्या है, आपको तैयारी करना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको 2 तारीख तक साथ निश्चिंत है, ठीक है, 2 तारीख तक आपका एग्जाम नहीं, तो इट मींस कि यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, ओके। अब आपके पास देखिए आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख से 21 से लेके 2 मार्च तक तो आप पूरी तरीके से फ्री है, मतलब फ्री कैसे है, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अब आप दवा भी कीजिए, रिवीजन कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी आप टेंशन में देखिए सर रिवीजन कैसे होगा, इतने एग्जाम अगर एकदम से आ गया, तो आप 21 से लेके 2 तारीख तक देखिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको बहुत सारा, तो रिवीजन फटाफट करते जाइए, और बाद में जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो फिर हम और प्रैक्टिस करके उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी घबराना किसी को नहीं है, अभी फेज नंबर 2 में पॉलिटिकल साइंस का या फिर और ऐसे एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके पेपर नहीं है, जो पेपर है 21 तारीख बेसिकली ये आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। सो बस प्रिपेयर करते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको टाइमली मैनर में यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।